Good morning class. Today we will study about the manifesto of the BJP. We already discussed the manifesto of the Congress, okay? And we also discussed about the BJP party. BJP party के बारे में बेटा हम discuss कर चुके हैं और Congress के party के बारे में हो चुका है. All the national parties we discussed, but at present we will discuss about the manifesto of the BJP. बेटा मैनिफेस्टो क्या होता है? घोषणा पत्र. आप सभी को पता है मैनिफेस्टो के बारे में कि मैनिफेस्टो क्या होता है. कुछ पॉइंट्स होते हैं, व्यूज होते हैं, कुछ डायरेक्शंस होती हैं, अनाउंसमेंट्स होती हैं जो इलेक्शन से पहले जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो क्या करती हैं, अपने पब्लिक के सामने रखती हैं. ठीक है, तो हमारे जो बीजेपी है बेटा, अभी जो आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके उन्होंने अपने बीजेपी के मैनिफेस्टो में 70 पॉइंट्स को इंक्लूड किया है, बट वी विल डिस्कस द मेन पॉइंट. ओके, हम बहुत जो इम्पोर्टेंट हैं सिर्फ उनको डिस्कस करेंगे. क्लियर बेटा? फर्स्ट वन इज डबलिंग फार्मर्स इनकम अबाउट 2020. जो फार्मर्स है, एज वी नो दैट फार्मर्स आर वेरी इम्पोर्टेंट. ठीक है, फार्मर्स बेटा बहुत मेहनत करते हैं. तो फर्स्ट जो उनका मैनिफेस्टो का पॉइंट है कि 2022 तक वो क्या कर देंगे बेटा, फार्मर्स की इनकम क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी. एज वी नो दैट 2014 है ना, और फिर आपका 2019 में इलेक्शन हुए. अब उनका प्रॉमिस है कि 2020 तक उनका क्या हो जाएगा बेटा, वो फार्मर्स की इनकम को डबल कर देंगे. ठीक है, नेक्स्ट वन इज 10,000 न्यू फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस. कि वो क्या होगा, नए जो आपके फार्मर प्रोड्यूसर है उनको क्या करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे. क्लियर? प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना. प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना क्या है, कि प्रधानमंत्री क्या करेंगे, उनके सम्मान के लिए, किसानों के सम्मान के लिए क्या करेंगे बेटा, जो मुआवजा होता है, कंपनसेशन होता है, वो क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे. अगर किसी भी पर्सन को कोई प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है, वो उसको क्या करेंगे, हेल्प करेंगे. क्लियर बेटा? इसी के अंडर सेकंड थिंग क्या होती है कि आपकी जो MSP होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, वो क्या करते हैं, फिक्स करते हैं. एज यू नो दैट द मिनिमम सपोर्ट प्राइस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री. ठीक है, तो क्या करते हैं, वो अपना मिनिमम सपोर्ट प्राइस अब फिक्स करते हैं. तो उनकी हेल्प करते हैं. कैसे करते हैं, क्योंकि बेटा अगर वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या ना करें, फिक्स ना करें, तो आपके जो बिजनेसमैन होते हैं वो क्या कर सकते हैं, आपसे बहुत ही लेस रेट पे खरीद के और उनको बहुत हाई कॉस्ट पे गवर्नमेंट को सेल कर सकते हैं, है ना. लेकिन बेटा जो आपके बीजेपी है उसने क्या किया, MSP वैसे तो सारी गवर्नमेंट फिक्स करती है, लेकिन बीजेपी ने क्या किया बेटा कि वो MSP के अंडर आपका MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस आपका फिक्स करेगी, और उसी के अकॉर्डिंग ही जो बिजनेसमैन है और गवर्नमेंट है आपसे उस रेट पर ही आपकी क्रॉप लेगी, जिससे आपके जो फार्मर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है. ठीक है, नेक्स्ट वन इज वर्क कंप्लीटिंग रिगार्डिंग इरीगेशन फील्ड. बेटा बीजेपी का नेक्स्ट मैनिफेस्टो पॉइंट है कि अभी तक जो भी इरिगेशन वर्क चला हुआ है, इरिगेशन वर्क के लिए कैनाल वगैरह बनानी होती है, ठीक है, डैम वगैरह बनाने होते हैं, तो ये सारा काम जो अभी क्या हो रहा है, गोइंग ऑन है, चल रहा है, तो उसको क्या करेंगे, कंप्लीट कराएंगे. ठीक है, मतलब जितना भी इरिगेशन वर्क पेंडिंग है उसको कंप्लीट करने के लिए 100% क्या करेंगे, अपना 100% देंगे. क्लियर? नेक्स्ट वन इज 1,00,000 रुपीज ऑन 0% इंटरेस्ट. बीजेपी का नेक्स्ट मैनिफेस्टो पॉइंट क्या है बेटा, कि बीजेपी 0% इंटरेस्ट के ऊपर 1,00,000 रुपए तक की हेल्प किसको करेगी, गवर्नमेंट, इसको फार्मर्स को करेगी. समझ में आया?
As we know that the banks put the heavy interest on the farmers, that's why the government decided that the government will provide the 1 lakh rupees without any interest. Okay, कि वो क्या करेगी, बिना ब्याज लिए 0% ब्याज के ऊपर 1 लाख रुपए तक की राशि क्या कर सकती है, आपके किसानों को दे सकती है, ताकि वो क्या कर सके, अपनी नीड्स की चीजों को फुलफिल कर सके. क्लियर. नेक्स्ट वन इज फिशरमैन स्टोरेज अवेलेबिलिटी. ठीक है, मत्स्य संपदा योजना. किसके अंडर? मत्स्य संपदा योजना. मत्स्य क्या होता है बेटा? एज यू नो दैट फिश. फिश का हिंदी क्या होता है? मत्स्य. ये संस्कृत मत्स्य ना. तो संपदा क्या होता है? उसकी इम्प्रूवमेंट, ग्रोथ. तो क्या है, आपके जो फिशरमैन होते हैं उनको क्या करके, सेल करके या फिर किसी भी अदर थिंग से उनको यूज करके, फिश को यूज करके अपने लाइफ सर्वाइव करते हैं. तो उनके लिए क्या है कि उनको लिए स्टोरेज अवेलेबिलिटी उनको प्रोवाइड कराएगी. ठीक है, जैसे गांव में बेटा, गांव के जो ग्राम पंचायत है उनकी इनकम का मेन सोर्स, दैट इज द मेन सोर्स ऑफ द ग्राम पंचायत. ठीक है, नेक्स्ट वन इज एंश्योर 100% डिसअप्रूवल ऑफ द लिक्विड वेस्ट एंड रीयूज ऑफ वाटर. क्या, किस चीज के लिए एंश्योर करती है पब्लिक को? द बीजेपी एंश्योर दैट 100% डिस्पोजल ऑफ द लिक्विड वेस्ट मटीरियल. जितना भी क्या होगा वेस्ट मटेरियल है लिक्विड, उनको क्या करेगी, 100% डिस्पोज करेगी. एंड सेकंड थिंग, रीयूज ऑफ द वाटर. दे विल फोकस ऑन द रीयूज ऑफ द वाटर बिकॉज ऑल द पर्सन थिंक्स दैट अबाउट द इन्वेस्टमेंट. ठीक है, लेकिन वो रिसोर्सेज को यूज करने के बाद उसका कोई बेनिफिट नहीं होता. दैट्स व्हाई द बीजेपी डिसाइड फॉर द रीयूज ऑफ द वाटर, बिकॉज एट प्रेजेंट यू कैन सी द कंडीशन ऑफ द वाटर इज गोइंग टू फिनिश फ्रॉम द होल वर्ल्ड. ओके बेटा, टिल नाउ एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? ओके बेटा, एंड द नेक्स्ट मैनिफेस्टो दैट इज पेंशन स्कीम फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स. कि जो छोटे किसान हैं और जो मीडियम फार्मर्स हैं, मीडियम फार्मर्स जिसके पास बहुत कम जमीन है, ठीक है, उनको क्या करेंगे, पेंशन स्कीम प्रोवाइड कराएंगे. जैसे यू कैन आस्क टू योर पेरेंट्स, एट प्रेजेंट बेटा क्या हो रहा है, 2000 पर मंथ इसके क्रॉप के लिए आ रहे हैं. ठीक है, तो ये सारी स्कीम किसकी है? ये सारी स्कीम बेटा आपकी बीजेपी की है. ठीक है, तो 8th मैनिफेस्टो जो मेन है वो क्या है कि गवर्नमेंट क्या करेगी आपके आने वाले टाइम में बेटा, जो क्रॉप से रिलेटेड है उसको क्या करेगी, जो छोटे फार्मर्स हैं या मार्जिनल फार्मर्स हैं उनको क्या करेगी, पेंशन स्कीम प्रोवाइड करेगी. ओके, नेक्स्ट वन इज कवर ऑल द सेकेंडरी स्कूल अंडर ऑपरेशनल डिजाइन डिजिटल बोर्ड. अब ये क्या है, कवर ऑल द सेकेंडरी स्कूल्स. सेकेंडरी स्कूल्स कितने सारे हैं बेटा, है ना, सेकेंडरी स्कूल्स मतलब 12th स्टैंडर्ड तक. तो सारे के सारे स्कूल्स में जो हायर क्लासेस हैं उनमें क्या डिजिटल बोर्ड फैसिलिटी, जो आपके स्मार्ट बोर्ड है वो वाली फैसिलिटी क्या करना, प्रोवाइड करना. गॉट इट. नेक्स्ट वन इज 1 lakh crore ऑन हायर एजुकेशन. द बीजेपी, इफ द बीजेपी कम्स इन द इलेक्शन, ऑलरेडी विन ना, नाउ 2020 इज हियर एंड आर इलेक्शन वाज इन 2019. यस बेटा, तो ये क्या है, 1 lakh crore ऑन हायर एजुकेशन, कि हम 1 lakh crore रुपए किसके ऊपर, जो उच्चतम शिक्षा है उसके ऊपर बेटा इन्वेस्ट करेंगे. ठीक है, एंश्योर ए पक्का हाउस टू एवरी फैमिली. इट इज ऑल्सो द पॉइंट द व्यू ऑफ द मैनिफेस्टो ऑफ बीजेपी 2019. ठीक है, कि हर एक घर को क्या मिलेगा, एक पक्का हाउस हम क्या कराएंगे, प्रोवाइड कराएंगे. क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, कि जिस पर्सन के पास क्या है, पक्का हाउस नहीं है, इट इज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट अंडर
बेटा पक्का हाउस स्कीम, द गवर्नमेंट विल प्रोवाइड द पक्का हाउस टू एवरी पर्सन ऑफ द कंट्री। कोई भी झुग्गी झोपड़ी में स्लम्स होते हैं वहां पे नहीं रहेगा, उनको सभी को क्या मिलेगी, पक्का हाउस मिलेगा। ठीक है बेटा। एलपीजी गैस सिलेंडर, जैसे कि उज्ज्वला योजना है, अंडर द उज्ज्वला योजना द प्रधानमंत्री इज गिविंग द सिलेंडर्स टू एवरीवन। ठीक है, तो ये क्या है नेक्स्ट, उसकी क्या थी मैनिफेस्टो का नेक्स्ट पॉइंट था उसका बेटा, बीजेपी का एलपीजी गैस सिलेंडर, कि हर एक औरत जो क्या करती है, गांव से बिलोंग करती है आइदर सिटी या टाउन से भी, जो क्या है नॉट एबल टू गेट द टू परचेज द गैस एंड सिलेंडर, देन द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू गिव द गैस सिलेंडर टू देम। 100% इलेक्ट्रिफिकेशन की क्या होता है, द इट इज ऑल्सो द मैनिफेस्टो ऑफ द बीजेपी की 100% इलेक्ट्रिसिटी होगी कहाँ पे, हर एक गांव तक। इस कंट्री में कोई भी पर्सन क्या नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा जिसके पास क्या नहीं गई है, ये क्या नहीं गई है बेटा, कि लाइट की फैसिलिटी उसको ना मिले, उसके घर में उसके खेत में हर जगह लाइट फैसिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट वन इज एक ए बैंक अकाउंट। ए बैंक अकाउंट, जैसे कि बेटा आपको भी पता है सभी को, कि अभी क्या हुआ था, जनधन योजना खाता शुरू हुआ था ना, यही है आपका वो ए बैंक अकाउंट। ए बैंक अकाउंट का काम क्या है बेटा, बैंक अकाउंट का मतलब यहाँ पे है हर पर्सन को गवर्नमेंट की तरफ से मतलब फ्री बैंक प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। अगर कोई पीपल, अगर कोई पर्सन क्या बैंक में उसका अकाउंट नहीं है और वो एबल नहीं है 2000 to 2500 देने, ये 500 देने का, ठीक है, तो वो क्या कर सकता है, मतलब इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है बेटा, 100 ए बैंक अकाउंट ओपन किया है जीरो बैलेंस पे, दैट वाज द प्रधानमंत्री जनधन योजना। टॉयलेट, द बीजेपी एंश्योर दैट द इफ द बीजेपी विल कम देन आई मीन्स बेटा द गवर्नमेंट विल प्रोवाइड द फैसिलिटी टू द पब्लिक ऑफ द टॉयलेट इन द एवरी हाउस, इन द एवरी हाउस द टॉयलेट सिस्टम शुड बी देयर। ओके बेटा, नेक्स्ट वन इज सेफ एंड पोर्टेबल वोटर। सेफ एंड पोर्टेबल वोटर बेटा, सेफ सही, पोर्टेबल क्या होता है, जो क्या हो गया बेटा क्लियर, कि ये क्या करेगी आपकी गवर्नमेंट, आपको सेफ और पोर्टेबल वाटर क्या कराएगी, प्रोवाइड कराएगी, ताकि आपको किसी भी टाइप की हेल्थ प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, एंड नेक्स्ट वन इज द डबल लेंथ ऑफ द नेशनल हाईवेज। जो नेशनल हाईवेज हैं आपके, एज यू डिस्कस्ड, एज यू रेड इन 10th क्लास, 6 टाइप्स ऑफ द रोड्स हियर, द गवर्नमेंट द बीजेपी सेज दैट इफ द बीजेपी विल कम इन द गवर्नमेंट देन द लेंथ दे विल बी फोकस ऑन द लेंथ एंड इन फ्यू ईयर्स द लेंथ विल बी डबल ऑफ द नेशनल हाईवेज। ओके, इट वॉज ऑल्सो द पॉइंट ऑफ द मैनिफेस्टो ऑफ बीजेपी। नेक्स्ट वन बेटा, स्मार्ट रेलवे स्टेशन। स्मार्ट रेलवे स्टेशन मीन्स बेटा वहां पे क्या हो, डिजिटलाइजेशन। ओके, डिजिटलाइजेशन शुड बी देयर ऑन द रेलवे स्टेशन, और वहां पे किसी भी टाइप का मतलब बेटा क्या ना हो, रूमर्स ना हो और रश क्रिएट ना हो, तो उसको एक स्मार्ट रेलवे स्टेशन में क्या कर दिया जाएगा, कन्वर्ट कर दिया जाएगा। कब, जब बीजेपी क्या आ जाएगी, आपकी जीत जाएगी। ठीक है बेटा, मैनिफेस्टो का मैं आपको मैनिफेस्टो बता रही हूँ, तो व्यूज होते हैं कि अगर हम जीत जाते हैं तो ऐसा करेंगे, इट मीन्स वो जीते नहीं होते अभी तक, है ना, तो हम बीजेपी का कर रहे हैं, ये हमारा 2019 के इलेक्शन से पहले का है। क्लियर, नेक्स्ट वन इज 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। क्या करेगी, 1.5 लाख हेल्थ केयर एंड वेलनेस सेंटर ओपन करेगी, कौन, आपकी बेटा बीजेपी गवर्नमेंट।
ओके नेक्स्ट वन इज 75 न्यू मेडिकल कॉलेजेस कि कितने 75 न्यू मेडिकल कॉलेजेस क्या करेगी, स्टार्ट करेगी आपकी कौन, बीजेपी। ठीक है, ये बीजेपी के बहुत सारे क्या है बेटा, मैनिफेस्टो के पॉइंट्स है। दीज आर सफिशियंट फॉर यू, इफ एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम टू यू इन दिस टॉपिक देन यू कैन आस्क मी बेटा। ओके okay?